हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आईएन ब्रांच का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था, ज्यादा टफ नहीं कहूंगा, मीडियम लेवल। और जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है मुझसे यूट्यूब पे या पेड कोर्स में, जो ओपन सर्किट टेस्ट करके मैं चीजें कराता था, एनालिसिस कराता हूँ, उससे अगर आप जाएंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। पूछा क्या था इसमें, ये डायोड आइडियल है, एक जेनर डायोड है 5 वोल्ट, जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ये 200 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, और इनपुट एक एसी वेव है, एसी वेव फॉर्म है 10 sin ωt का, ठीक है ना, मतलब जिसका मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट है और लोअर साइड में निगेटिव में -10 वोल्ट है, ठीक है ना। पूछा क्या है, जो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस पावर डिसिपेशन क्या होगा। तो हम या तो करंट 100 ओम के क्रॉस फाइंड आउट कर लें, I²R वहां से निकाल लेंगे भाई साहब, है ना। हाँ, लेकिन यहां साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, तो माइंड बी की करंट यहां पे एसी नेचर की आई, साइनोसाइडल नेचर की अगर आती है, तो अगर हमें करंट या वोल्टेज पता होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस इन द फॉर्म ऑफ एसी वेव फॉर्म, तो भी आपको पावर कैलकुलेशन आता होगा, है ना। वीटी इंटू आईटी को इंटीग्रेट करके आप एक टाइम पीरियड पे निकालते हो इजिली, है ना, ऐसे आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमारा एम है कि अगर 100 ओम के क्रॉस हम या तो करंट फाइंड आउट कर लें या तो वोल्टेज, क्योंकि अगर करंट आ गया तो वोल्टेज अपने आप आ जाएगा इनटू आर से, और अगर वोल्टेज आ गया तो करंट आ जाएगा अपने आप वी बाई आर से, है ना। तो एक चीज कोई फाइंड आउट करने की जरूरत है। अब लेकिन यहां पर दो चीजें हैं, जेनर डायोड और नॉर्मल डायोड एक लगा हुआ है, तो दोनों ऑन या ऑफ होंगे उसके अकॉर्डिंग सर्किट की कंडीशन अलग अलग होगी। अगर यही दोनों नहीं होते, सिंपल सा नेटवर्क का क्वेश्चन होता, है ना, अगर मैं इनको ऑन ऑफ से रिप्लेस कर दूं जेनर डायोड और डायोड को, फिर आपकी एक सिंपल सी नेटवर्क थियरी का क्वेश्चन हो जाएगा और कुछ नहीं। कहने को ये एनालॉग का क्वेश्चन है, अगर ऑन ऑफ मैं इसका बता दूं तो ये नेटवर्क थियरी का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं हमेशा क्या करता था, मैंने दो डायोड्स हैं, जेनर डायोड, इसको एक ओपन सर्किट टेस्ट कर रहा हूं और इसका एक ओपन सर्किट टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हमें देखना है, नॉर्मल डायोड तो केवल एक डायरेक्शन में कंडक्शन करता है बेटा, आपको याद होगा पी टू एन ओनली, है ना, पी टू एन कंडक्शन अलाउ करता है, एन टू पी कभी अलाउ नहीं करता है, रिवर्स बायस में करंट जीरो फ्लो होती है। लेकिन जेनर डायोड एक स्पेशल केस है, जेनर डायोड रिवर्स बायस में अगर ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा तो कंडक्शन अलाउ करता है एन टू पी, लेकिन और फॉरवर्ड बायस में वो नॉर्मल डायोड की तरह कंडक्शन अलाउ करता है, ठीक है ना। तो ये रिवर्स बायस में भी काम कर जाता है और फॉरवर्ड, और इसका जनरल पर्पस यूज करने का होता है रिवर्स ब्रेकडाउन में यूज करना, क्योंकि रेगुलेटर सर्किट में इसका यही सबसे बड़ा यूज हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी ओपन सर्किट टेस्ट करके मैं देखता हूं कि ये कब ऑन हो सकता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, ये रिवर्स ब्रेकडाउन में जाके ऑन हो जाता है अगर इसका एन टू पी वोल्टेज इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है। ये केवल फॉरवर्ड बायस में ऑन हो सकता है जब इसका पी टू एन वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द कट इन वोल्टेज, और आइडियल डायोड है तो उसका कट इन वोल्टेज जीरो होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये ओपन हो गया तो करंट के लिए ये भी पाथ क्लोज, ये ओपन हो गया तो करंट के लिए ये भी पाथ क्लोज, क्लोज का मतलब कि करंट फ्लो नहीं हो सकती यहां से, है ना। तो करंट के लिए दो ही पाथ थे, एक ये पाथ और एक ये पाथ, दोनों ही पाथ क्या है, ओपन सर्किटेड है तो करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, मतलब कहीं कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। अब देखो ये एक कॉमन पॉइंट है, इसको रेफरेंस को मैं ग्राउंड मान लूं, इसमें कोई ज्यादा बुराई नहीं है, अगर कॉमन रेफरेंस हो तो उसको कुछ भी आप मान सकते हो, मैंने रेफरेंस को ग्राउंड मान लिया। अब देखो इसको मैं ये प्लस माइनस अगर मान लेता हूं इस तरह से, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा 10 sin ωt, ओमेगा टी या ओमेगा नॉट टी, तो देखो अगर माइनस इन ग्राउंड पे है तो प्लस इन बढ़ के कितने वोल्टेज पे पहुंच जाता है, जितने वोल्ट की बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट की है 10 sin ωt वोल्ट की बैटरी है, तो माइनस इन ग्राउंड पे तो प्लस इन माइनस इन के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, 10 sin ωt या 10 sin ωt अमाउंट से, तो 0 + 10 sin ωt हो गया इस नोड का पोटेंशियल 10 sin ωt। अब देखो यहां से कोई करंट तो जा नहीं रही है, जब ये दोनों ओपन सर्किट हैं करंट जीरो जा रही है, और अगर किसी रेजिस्टेंस से करंट जीरो जाती तो उसके दोनों नोड का पोटेंशियल सेम होता, अगर यहां 10 तो यहां भी 10। चलो इस नोड का पोटेंशियल हमें पता चल गया बेटा, है ना, जो काम आएगा इसके क्रॉस एन टू पी वोल्टेज निकालने के लिए और इसके क्रॉस पी टू एन। अब देखो यहां भी करंट क्या फ्लो हो रही है बताओ, जीरो हो रही कि नहीं, यहां से भी तो करंट नहीं जा रही है। अब देखो ये एक प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इंड कहां से कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा माइनस इंड के रिस्पेक्ट में कितने अमाउंट से, 5 वोल्ट से, माइनस इंड 0 पे, तो प्लस इंड कितना हो जाएगा 0 + 5, इस नोड का पोटेंशियल कितना हो गया 5 वोल्ट। इससे करंट नहीं जा रही हो तो इस नोड का पोटेंशियल कितना हो गया 5 वोल्ट, अगर रेजिस्टेंस से करंट नहीं तो दोनों नोड का। अब देखो इसका एन टू पी वोल्टेज कितना होगा, पी टू एन वोल्टेज कितना हो गया ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट में वीपी माइनस वीएन इज नथिंग बट इक्वल टू 10 sin ωt माइनस 5 वोल्ट, ठीक है, ये ध्यान से देखते हैं।
और इसका देखते हैं यन टू पी वोल्टेज, क्योंकि ये नॉर्मली किस रीजन में ऑन होगा, ब्रेक डाउन रीजन में। तो इसका यन कौन सा इंड है ये, और पी इंड कौन सा ये। तो यन टू पी मेजर करेंगे जेनर डायोड के केस में। जेनर डायोड के लिए जेड लिख देता हूं, ओपन सर्किट में क्या होगा, वी एन माइनस वी पी ओपन सर्किट के केस में विल बी नथिंग बट 10 साइन ओमेगा टी माइनस जीरो इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से अब जाना है। जब हमारा पॉजिटिव हाफ होगा साइनोसाइडल वेव फॉर्म का, उसकी एनालिसिस बस कर देता हूं। ये क्वेश्चन केवल एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन का था, ये इतना सब मैं ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूं, जिसने अच्छे से पढ़ा है डायोड का ऑन ऑफ वो उसने क्वेश्चन देख के कर दिया होगा, है ना। देखो एक वेव फॉर्म में बनाता हूं एक साइकिल, क्योंकि जो एक साइकिल पे होगा वही बाकी साइकिल्स पे भी होगा, वही रिपीटिशन तो होगा, अलग से तो कुछ नहीं आ जाएगा, क्योंकि साइनोसाइडल वेव फॉर्म उसी रेशियो में रिपीट करेगी, उसी रेशियो में ये सारी चीजें भी रिपीट करेंगे जो काम पहली साइकिल में होगा। अब देखो जब 10 साइन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तब इसके क्रॉस वोल्टेज वीपी माइनस वीएन 0 से ज्यादा होगा। यहां देख के बताओ 10 साइन ओमेगा नॉट टी अगर 5 से ज्यादा हो गया तब 5 से ज्यादा में से 5 घटाओगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन क्या जाएगा कट इन वोल्टेज 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब, पॉजिटिव आना चाहिए इसके क्रॉस पी माइनस एन, इसका कट इन वोल्टेज 0 है। तो अगर वीपी माइनस वीएन इन ओपन सर्किट ग्रेटर देन वी गामा या ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये ऑन होगा। मतलब जब 10 साइन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तभी आपका क्या होगा, ये डायोड ऑन हो पाएगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू पे ऑन नहीं होगा, इक्वल टू पे तो जस्ट अभी ऑन होने की कंडीशन आ रही होगी, जब स्लाइटली ग्रेटर देन वी गामा होता है तब वो एक्चुअली ऑन होता है। तो ग्रेटर देन 0 ये इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए 10 साइन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू, तभी डायोड आपका ऑन होगा। अब देखो ये जेनर डायोड को ले लो, जेनर डायोड को ध्यान से अगर देखो तो इसके क्रॉस एन टू पी वोल्टेज 10 साइन ओमेगा टी है, और जेनर डायोड के क्रॉस अगर वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंच गया तो वो ऑन हो जाता है, उसमें ग्रेटर देन की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर अगर एन टू पी वोल्टेज पहुंच गया या ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा पहुंच गया, दोनों केस में जेनर डायोड ऑन हो जाता है। जैसे वो 5 पहुंचता है सडनली करंट उसमें क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है, ठीक है ना। तो आप देखो जैसे 10 साइन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू, 10 साइन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू पहुंचेगी किसके बराबर, 5 के बराबर, 5 वोल्ट है ना, ये जेनर डायोड क्या होने लगेगा ऑन। 5 से जैसे ये स्लाइटली ग्रेटर देन होगा तो भी जेनर डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि जब भी इसका एन टू पी वोल्टेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होगा ये ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा। अगर एन टू पी वोल्टेज जेनर डायोड के क्रॉस ओपन सर्किट में ग्रेटर देन आर इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड है तो वो ऑन हो जाता है, और ऑन होकर कितने वोल्ट से रिप्लेस हो जाता है, जितना उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से क्या हो जाता है, रिप्लेस। तो जैसे 10 साइन ओमेगा नॉट टी 5 से ज्यादा होने वाला होगा, अब देखो यहां बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, यही जज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया और कुछ नहीं। जैसे 10 साइन ओमेगा नॉट टी से ज्यादा होने वाला होगा, 10 साइन ओमेगा नॉट टी से ज्यादा होने वाला होगा, अगर इस नोड का वोल्टेज 10 साइन ओमेगा नॉट टी 5 से ज्यादा होगा तो इस जेनर डायोड को 100% ऑन होना पड़ेगा। कोई रोक सकता है इसको ऑन होने से, बताओ। अगर इस 10 साइन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू अगर 5 से, मैं कह रहा हूं ज्यादा है, है ना, 5 से अगर ज्यादा है तो इस जेनर डायोड के क्रॉस एन टू पी वोल्टेज गारंटीड है 5 से ज्यादा है, और अगर इसके क्रॉस एन टू पी वोल्टेज गारंटीड 5 से ज्यादा है तो जेनर डायोड हैज टू बी ऑन। ऐसा हो सकता है कि इस 10 साइन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू 6 वोल्ट हो और ये जेनर डायोड ऑफ हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो जैसे 10 साइन ओमेगा नॉट टी 5 से ज्यादा हो जाएगा तो आपको लगेगा ये डायोड भी ऑन होना चाहिए, लेकिन देखो यहां ट्रिक क्या है, जैसे 10 साइन ओमेगा टी से ज्यादा होगा वोल्टेज, 10 साइन ओमेगा टी की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी, जेनर डायोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑन होना ही पड़ेगा क्योंकि इसके क्रॉस एन टू पी वोल्टेज ज्यादा है। और जैसे जेनर डायोड ऑन हो जाएगा एक 5 वोल्ट की बैटरी से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, जिसका बैटरी का पॉजिटिव वीजेड वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा, जिसका पॉजिटिव इंड होगा एन साइड में और निगेटिव इंड होगा पी साइड में, तो प्लस माइनस 5 वोल्ट। अब देखो अगर ये 10 साइन ओमेगा टी जैसे 5 से ज्यादा हुआ, जेनर डायोड हैज टू बी ऑन, और जेनर डायोड ऑन होके, जैसे जेनर डायोड ऑन हो जाएगा, जेनर डायोड ऑन हो जाएगा
इस नोड का पोटेंशियल फिक्स कर देगा कहां पे? 5 वोल्ट पे, जो जेनर डायोड का काम होता है, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस। जैसे जेनर डायोड ऑन होगा वो अपने टर्मिनल के अक्रॉस कुछ भी लगा है, लोड लगा है कुछ भी, उसके अक्रॉस वोल्टेज को क्या कर देता है? फिक्स, इक्वल टू ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो 10 साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम कह रहे थे 5 से अगर ज्यादा होगी तो मेरा डायोड भी ऑन हो सकता है। देखो जब इस नोड का पोटेंशियल 10 साइन ओमेगा टी था, और अगर 10 साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 5 से ज्यादा है तो मेरा जेनर डायोड भी ऑन होना था। और देखो इस नोड का पोटेंशियल अगर 10 साइन ओमेगा टी अगर ज्यादा है 5 से तो गारंटीड है ये जेनर डायोड ऑन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसका एन टू पी वोल्टेज 5 से ज्यादा है तो ये ऑन होगा। और जैसे ये ऑन हो जाएगा, अब देखो इस डायोड के क्रॉस, क्योंकि 10 साइन ओमेगा टी की वैल्यू जैसे 5 से ज्यादा होगी जेनर डायोड डेफिनेटली ऑन होगा, और ये ऑन हो जाएगा तो इस नोड का पोटेंशियल 5 पे फिक्स कर देगा। अब इस नोड का पोटेंशियल 5 से ज्यादा कभी जा ही नहीं सकता, बताओ जा सकता है? अगर इस नोड का पोटेंशियल 10 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में वेरी करता तो 10 साइन ओमेगा टी की वैल्यू 5 से ज्यादा 6 भी जाती, 7 भी जाती, 8 भी जाती, 9 भी जाती, 10। लेकिन जैसे 10 साइन ओमेगा टी 5 से ज्यादा हुआ जेनर डायोड तुरंत ऑन हुआ और इस नोड का पोटेंशियल क्या कर दिया? फिक्स। अब 10 साइन ओमेगा टी 5 से बढ़ता हुआ 6 जाए, 7 जाए, 8 जाए, लेकिन इस नोड का पोटेंशियल 5 क्या हो जाएगा? फिक्स। और जैसे इस नोड का पोटेंशियल 5 फिक्स हो जाएगा, इसका देखो Vn तो 5 पे है, यहां ध्यान से देखो 5 वोल्ट है इस की वजह से, और इसका Vp फिक्स हो गया 5 पे, तो 10 साइन ओमेगा टी 5 से ज्यादा भी है तो भी ये डायोड देखो ध्यान से ऑन नहीं हो पा रहा है। क्यों? अगर यही है जनरल डायोड यहां नहीं होता बेटा, यहां 10 साइन ओमेगा टी होता तो जब जैसे 10 साइन ओमेगा टी 5 से ज्यादा जाता इस डायोड के क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज 0 से ज्यादा जाता, कट इन वोल्टेज से ज्यादा, और ये डायोड नॉर्मल डायोड ऑन हो जाता। लेकिन जैसे 10 साइन ओमेगा टी 5 से ज्यादा जा रहा है ये जेनर डायोड ऑन होकर इस नोड का पोटेंशियल 5 से ज्यादा जाने ही नहीं दे रहा है, और जैसे ये 5 पे फिक्स हो गया 10 साइन ओमेगा नॉट टी ग्रेटर देन 5 के लिए ये 5 पे फिक्स हो गया तो इस डायोड के क्रॉस नेट वोल्टेज वीपी माइनस वीएन ओपन सर्किट में 5-5 जीरो से ज्यादा जा ही नहीं सकता, और जब तक ये वीपी माइनस वीएन जीरो से ज्यादा नहीं होगा ये डायोड ऑन ही नहीं होगा। तो पॉजिटिव हाफ में, पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल में ये डायोड ऑन नहीं हो सकता, और पॉजिटिव हाफ में करंट क्या फ्लो होगी? फिर डायोड अगर ऑफ है तो यहां से करंट आ ही नहीं सकती, तो इस एक्स के क्रॉस करंट क्या हो जाएगी? जीरो। तो हम पॉजिटिव हाफ के एनालिसिस कर लिए कि पॉजिटिव हाफ में करंट 100 ओम से फ्लो नहीं हो सकती, ये डायोड ऑफ होगा। अब बताओ अगर निगेटिव हाफ आएगा, निगेटिव हाफ में ये वाला नोड का पोटेंशियल हाई हो जाएगा, ये वाले का कम, है ना? जब 10 साइन ओमेगा टी का निगेटिव हाफ आएगा तो ये इंड होगा हायर पोटेंशियल पे, ये इंड होगा लोअर पोटेंशियल पे, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो हम जस्ट करंट की डायरेक्शन ऑब्जर्व करते हैं, करंट की डायरेक्शन, क्या निगेटिव हाफ में डायोड ऑन हो सकता है? क्योंकि डायोड ऑन होगा तभी यहां से करंट फ्लो हो सकती है करंट, क्योंकि डायोड के थ्रू ही 100 ओम से फ्लो हो सकती है, अगर 100 ओम से करंट फ्लो होगी तभी पावर लॉस होगा। पॉजिटिव हाफ में तो कोई पावर लॉस नहीं हुआ। अब निगेटिव हाफ में बेटा देख लेते हैं, एनालिसिस ढंग से कर लेते हैं। अब देखो ये दो चीजें हैं, दो चीजें यहां करंट फ्लो करा सकती, कौन कौन? एक ये 5 वोल्ट की डिवाइस और एक ये 10 साइन ओमेगा टी, है ना? अब देखो ये अगर इसका ये हायर नोड हो गया प्लस नोड और ये माइनस नोड, तो बैटरी से हमेशा करंट प्लस नोड से निकलती है और माइनस नोड पे खत्म होती है। अब देखो प्लस नोड से करंट निकली यहां से और उसको माइनस इन पे आके इसके थ्रू यहां खत्म होना है, तो एक पाथ यहां इसको ये मिला, जेनर डायोड इस डायरेक्शन में करंट अलाउ कर देगा? कर देगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, तो जेनर डायोड तो काम कर रहा है निगेटिव हाफ में। अब देखो अगर करंट, आप कह रहे हो कुछ करंट यहां चली जाएगी कुछ करंट यहां, तो यहां देखो करंट को किस पास से होके आना पड़ेगा? एन टू पी पास से होके आना पड़ेगा डायोड के, जो कि डायोड अलाउ कर ही नहीं सकता, नॉर्मल डायोड एन टू पी नहीं अलाउ करेगा। मतलब निगेटिव हाफ में 10 साइन ओमेगा टी इस 100 ओम के थ्रू करंट फ्लो नहीं करवा सकता, क्यों? क्योंकि डायोड आ जाएगा एन टू पी डायरेक्शन में, रिवर्स बायस में। अगली चीज ऑब्जर्व करो, अगर आप कह रहे हो ये 5 वोल्ट करंट फ्लो करा सकता है, तो ध्यान से देखो अगर ये 5 वोल्ट भी करंट फ्लो कराना चाहेगा बेटा तो इसके प्लस नोड से करंट निकलेगी और माइनस नोड पे खत्म होगी। अगर प्लस नोड से करंट निकली तो उसको एन टू पी से होके पास होना पड़ेगा डायोड के, तो वो भी पॉसिबल
नहीं है, मतलब निगेटिव हाफ में भी डायोड करंट अलाउ नहीं कर पा रहा है और पॉजिटिव हाफ में ऑन होने की पॉसिबिलिटी थी लेकिन इस जेनर डायोड ने गेम कर दिया, इसको ऑन ही नहीं होने दिया, तो डायोड कभी भी ऑन ही नहीं हो पा रहा है फॉर द होल साइकिल ऑफ 10 sin ओमेगा टी। तो जब डायोड ही ऑन नहीं होगा तो इस 100 ओम के थ्रू करंट फ्लो होने का एक ही पाथ था थ्रू डायोड, तो करंट कभी फ्लो ही नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो पावर लॉस कितना होगा, आई स्क्वायर आर, पावर लॉस, पावर एब्जॉर्ब, जो भी कहो, आई स्क्वायर आर विल बी जीरो बिकॉज करंट इज ऑलवेज जीरो। तो यहां गेम था इस जेनर डायोड का कि ये ऑन होकर इस डायोड को कभी ऑन होने ही नहीं देगा। मेन बात थी पॉजिटिव हाफ में निगे, और तो ये पॉजिटिव हाफ में भी करंट इसी के थ्रू फ्लो होगी जेनर डायोड, और जेनर डायोड उस समय किसमें रीजन में काम करेगा, ब्रेकडाउन। अगर यहां क्वेश्चन पूछते कि जेनर डायोड के थ्रू पावर लॉस क्या है तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता। फर्स्ट हाफ में जब 10 साइन ओमेगा टी जेनर डायोड के वोल्टेज बीजेट से ज्यादा होता तो ये ऑन होता और करंट ऐसे फ्लो होती, जेनर डायोड से कुछ करंट फ्लो होती, वो हम निकाल सकते थे। अब जब निगेटिव हाफ 10 साइन ओमेगा टी का आता तो ये एक फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह काम करता जेनर डायोड, और इससे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होती, वो करंट निकालते एक तरह से साइनोसाइडल नेचर की कुछ करंट आती, उस साइनोसाइडल नेचर की करंट के हिसाब से इसका वोल्टेज इनटू करंट करके हम पावर निकाल सकते थे बाय द इंटीग्रेशन मेथड। तो जेनर डायोड से पूछता तो आंसर पॉसिबल था, कुछ आता फाइनाइट वैल्यू, लेकिन यहां इसके थ्रू तो करंट पास ही नहीं हो रही है, डायोड पास ही नहीं करने दे रहा है, तो इसका आंसर सिंपली क्या है, जीरो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं डायोड पे ही आया हुआ, और उस तरह का क्वेश्चन मैंने इसरो के एग्जाम में भी पूछा गया कराया था, सेम पे बेस्ट क्वेश्चन है, जिन लोगों ने वो क्वेश्चन मेरा इसरो वाला देखा होगा इस क्वेश्चन में उनको बहुत ही इजीनेस फील हुई होगी, 5 डायोड थे, बहुत लोग देख के घबरा गए होंगे लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट मैं वही लेने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उस क्वेश्चन के साथ। ओके।